कोई भी आपके पास बोनस हो गया, लीव इन कैचमेंट हो गए, और भी कोई एक जमाने में डीएनएस अलाउंस, मिल्क अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस भी मिला जाता था, वो सारे इस कॉम्पनसेशन में शामिल हो गए, आपके इंक्रीमेंट जो हुए वो सब इसमें ना। सेकंड पार्ट आता है रेक्विजिट्स के बारे में। रेक्विजिट्स का मतलब ये हो गया कि जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल घर दे दिया, अकोमोडेशन दे दी गई हो, आपको कार दे दी हो, और दूसरे किस्म के आपको रिक्वायरमेंट्स दिए हुए हो, तो रिक्वायरमेंट्स मेरी आपसे पहले भी बात की थी कि ये हमेशा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर प्रोवाइडेड होगा, यानी कि उसके ऊपर सेक्शन दिया होगा, जबकि कॉम्पनसेशन जो होता है वो रिसीव बेसिस पर होता है, जो हमने पहले भी पढ़ा। अच्छा, उसके बाद आता है अलाउंसेज इन पार्ट सी। अलाउंसेज हमेशा टैक्सेबल होते हैं, हमेशा टैक्सेबल होते हैं, बस दो सिचुएशन में, एक मेडिकल अलाउंस के बेसिस पे और एक स्पेशल अलाउंस के बारे। इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो हमारे पास जो इसकी टैक्सेबिलिटी आ गई ना, फॉर एग्जाम्पल आपको जो सैलरी मिलती है तो आपको टैक्स कटा हुआ नजर आता है, तो आप उनसे कैलकुलेशन पूछ सकते हैं कि भाई आपका आपने टैक्स कैसे डिडक्ट किया, मेरी टैक्सेबल इनकम कैसे ड्राइव हुई है जिसको ये टैक्स आपने डिडक्ट किया। क्राइटेरिया क्या है रिसीव बेसिस का कि मेड अवेलेबल, मेड अवेलेबल का मतलब होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर से आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, इसका मतलब जो कि उसमें लिखा होता है कि आपको इतनी सैलरी, इतने अलाउंसेस, थाउजेंड अलाउंस, ईयर अलाउंस, वो आपको मिलेंगे। दूसरा होता है, इसका एक और भी मतलब होता है, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ इंशाल्लाह, मेड अवेलेबल का मतलब। दूसरा होता है आपके पास अपॉन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द एम्प्लॉयर, मतलब आप पे कह के कि यार मेरी जो तनख्वाह है ना उसका 60% किसी और को दे देना, यानी कि आपने गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे लिया तो आप बोलते हैं बैंक को दे देना, सही है ना। बैंक से आपने बैंक को बोला कि भाई 40% बैंक को दे देना डन, तो आपके एम्प्लॉयर 40% 60% डायरेक्टली आपके बैंक को दे देते। तीसरा होता है आपके पास सर अपॉन द इंस्ट्रक्शन ऑफ अदर्स, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का लोन लिया होगा, अब आप बाइंडिंग होते हो ना आप देने के लिए, लेकिन क्या होता है कि आपका एम्प्लॉयर डायरेक्टली उसको दे देता है जब वो आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन। ये तीन सिचुएशन है, इसके अलावा भी अगर हो सकता तो आप सब पूछ सकते हैं। सही दोस्तों, ये हो गए आपको मेड अवेलेबल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेड अवेलेबल बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, और अगर आपकी आपकी जो सर्विस है वो इस कंट्री से बाहर है, फॉर एग्जाम्पल आप काम करते हो दुबई में या कहीं पर भी, लेकिन कंपनी आपकी कहाँ पर है, पाकिस्तान में, तो अगर आपकी सैलरी आपके भाई को या किसी को मिल जाती है, इसका मतलब है आपकी सैलरी और ऑलरेडी आपके भाई को दे दी, यानी कि आपको वहाँ मिल चुकी है, सही है ना। इसका मतलब ये भी सोचता और भी मजीद कोई बात होगी तो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में या मुझसे पर्सनली बात कर सकते। दूसरा मैंने बात की थी प्रेक्विजिट्स के बारे में, प्रेक्विजिट्स के ऑर्डिनेंस मैंने व्हीकल में बोला, व्हीकल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रूल्स में लिखा हुआ है कि 5% होता है वो आपको होगा कि ऑफिशियल यूज के लिए, स्पेसिफिकली फॉर ऑफिशियल, और 10% 5% आप ऑफिशियल यूज के लिए और 10% प्राइवेट यूज के लिए, यानी कि आप प्राइवेट यूज के लिए आप खुद से कंपनी में गाड़ी की आप ऑफिस लेकर नहीं आते, तो ये हो गया आपके पास ऑफिशियल। अच्छा, ये जो 10 और 5% है आपका सवाल हो किस पे लगता है, ये कॉस्ट ऑफ द व्हीकल, कॉस्ट ऑफ द व्हीकल, ये ना उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर होगा ना उसको जो उसकी प्राइस होगी उसके ऊपर होगी, कॉस्ट ऑफ द वैल्यू, कॉस्ट ऑफ द व्हीकल। तीसरी बात मैंने अलाउंसेस की बात की, अलाउंसेज में मेडिकल अलाउंस का 10% होता है आपकी बेसिक सैलरी से, आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है। इसकी टर्म एंड कंडीशन है, मैं इसको भी जब क्वेश्चन करेंगे ना सवाल करेंगे तब आप इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, बिना से सारी चीज़ें सब आएंगी, आप पिक्चर लेके भी देख सकेंगे इंशाल्लाह सारी चीज़ें इसमें आपको क्लियर पता है। स्पेशल अलाउंस जो है ना वो स्पेसिफिकली एग्जेम्पशन के, एग्जेम्पशन जो होती है देखिए दोस्तों वो सेक्शन 41 से लेके आई थिंक 52-53 तक है, और सेकंड शेड्यूल्स के अंदर पार्ट चार पार्ट्स हैं, सेकंड शेड्यूल सारे एग्जेम्पशंस के ऊपर है। पहला पार्ट जो है वो टोटल इनकम के ऊपर है, दूसरा है टैक्स रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी पर है, और उसके बाद है रिडक्शन इन टैक्स रेट्स है, और उसके बाद है स्पेसिफिक रिडक्शन एग्जेम्पशंस। तो चार पार्ट है शेड्यूल्स में, मैं वो भी डिस्कस करूंगा बेफिक्र, अभी जो जनरल ओवरव्यू दे रहा हूं
सेल्स वालों को जब उनको वो मिलता है क्या नाम है कमीशन मिलता है,
तो कमीशन ऑल्दो अदर सोर्स का पार्ट होता है, लेकिन कमीशन अगर एम्प्लॉयमेंट की बेस पर है, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस को मीट करेगी जो डेफिनेशन दी हुई है, तो फिर वो सैलरी का पार्ट। अगर आपको इसमें कोई भी क्यूरीज हैं, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं इंशाल्लाह दोबारा भी रिपीट कर सकता हूँ। लेकिन कंसर्न क्या है मेरा ये पढ़ाने का या वीडियो बनाने का कंसर्न सिर्फ इतना है कि सबसे पहली बात है कि हमें अपने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो सैलरी के टैक्स कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, ना कि हम स्पेसिफिक ब्लाइंडली अपने टैक्स कंसल्टेंट्स पे बिलीव करें। बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स भी हैं, बहुत बुरे कंसल्टेंट्स भी हैं, दोनों सिचुएशन। तो जब तक आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता, आप कैसे सर्वाइव करेंगे। सेकेंडली बात है यार, देखिए हर किसी को कैरियर ग्रोथ चाहिए होती है। मैं उन सब लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ बात, कि मेरे इस लेक्चर देने का मकसद ये नहीं है कि मुझे आपके सब्सक्राइब चाहिए या मुझे आपके लाइक्स चाहिए या मुझे आपके कमेंट्स चाहिए। असल में तो जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पैसे नहीं हो पाते, स्कूल में नहीं पढ़ सकते या वो एक्सपीरियंस नहीं होता, तो कम से कम अपना एम्बिशन, अपना जो कैरियर पाथ है टैक्स में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में चलना बढ़ रहे हैं, ऑडिट में भी, दूसरी चीज़ों में भी, तो उनका एक्सपोजर बढ़े। क्या अगर वो कहीं जॉब लेने जाते हैं या अपना बिजनेस करें, अपना बिजनेस करना चाहें, तो उनको पता हो चीज़ों के बारे में कि अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो मेरे पर क्या टैक्स एप्लीकेबिलिटीज बनती हैं। अब बहुत सारे लोग को आजकल के दौर में मैं तो रोजाने देखता हूँ, पता ही नहीं होता, उनके जो कंसल्टेंट हैं उनको पट्टी पढ़ा देते हैं, वो उसी दौड़ में चल रहे होते हैं, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट भी होते हैं। तो मेरी सिर्फ इसको पढ़ाने का मकसद है कि अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपको कोई ये ना कहे इलिटरेट पर्सन। सिर्फ अकाउंटेंसी के बारे में नहीं कह रहा है, टैक्स के बारे में नहीं कह रहा, हर पॉइंट ऑफ व्यू। तो टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट, और अगर आप लोगों को अपनी कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र है, आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर डेवलपमेंट ग्रोथ हो, तो मैं टैक्स में इंशाल्लाह कराऊंगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी करेंगे। अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ओ लेवल्स, ए लेवल्स वालों को, इंटर को, बीकॉम वालों को, किसी को भी कोई भी टॉपिक समझना हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैसेज कर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, किया करना बुद्धू भैया।